बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। तो हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, रेस्ट एंड मोशन, सुकून और हरकत। कुरान जीत में अल्लाह ताला सूरह रात में फरमाते हैं, हर एक चल रहा है एक वक्त मुकरर तक के लिए। हम दुनिया में थोड़ी सी मुदत के लिए आए हैं और हम अपना टाइम पूरा करके चले जाएंगे, तो हमारे लिए खाली हरकत इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये है कि हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं। और हम अल्लाह ताला से हर नमाज में दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमें सीधे रास्ते की तरफ हदायत दे। तो कुरान हकीम एक बड़ी बरकत वाली किताब है जो अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है, ताकि लोग इसकी आयात पर गौर करें और अक्ल व फिक्र रखने वाले इससे सबक लें। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो फिर ही उससे सबक हासिल करेंगे। तो आज से अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर लें कि आपने कम अज़ कम 3 आयात तर्जुमे के साथ कुरान बीत की पढ़नी है। आज हम बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेशंस कहते हैं इर्तआश को, तो वाइब्रेटरी को ऑसिलेटरी भी कहते हैं। वेयर एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्स अ रेपिटेटिव टू एंड फ्रो मूवमेंट, बार बार आगे और पीछे होता है एक ऑब्जेक्ट, रिट्रेसिंग इट्स ओरिजिनल पाथ, और अपने ओरिजिनल असली रास्ते पे वापस आता है। जैसे आपने कभी गौर किया होगा, बच्चे जब झूला लेते हैं, कंसीडर अ बेबी इन अ स्विंग, एक बच्चे के मुतालिक सोचें जो झूले में है। हम क्या करते हैं, बच्चे को झूले में बिठा के उसे पुश करते हैं। एज इट इज़ पुश्ड, जब उसको धक्का दिया जाता है, द स्विंग मूव्स बैक एंड फोर्थ अबाउट इट्स मेन पोजिशन, जो झूला है वो आगे और पीछे दरमियान में से गुजरता हुआ हरकत करता है। द मोशन ऑफ द बेबी रिपीट्स, बार बार उसी तरह गुजरती है, फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर एक्सट्रीम विद द स्विंग, एक कोने से दूसरे कोने तक स्विंग के साथ घूमता है, यानी मेन पोजिशन आगे जाती है पीछे आती है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन, इस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। एक और मिसाल है, आपने क्लॉक पेंडुलम देखा होगा, एक क्लॉक के नीचे एक मोटा सा गोला लटक रहा होता है, उसे पेंडुलम कहते हैं, वो भी आगे और पीछे हरकत करता है मेन पोजीशन से, ए से बी और बी से सी की तरफ जाता है। इसी तरह एक और आप एग्जांपल देखें, चिल्ड्रन प्लेइंग एट सीसा, सीसा के ऊपर जब बच्चे हैं तो वो भी ऊपर नीचे होते हैं। एक और इसकी एग्जांपल है बेबी इन अ क्रेडल, बेबी का झूला आपने देखा होगा, वो भी आप थोड़ा सा पुश करें तो वो आगे पीछे हरकत करता है। इसके अलावा आपने गिटार या सितार देखा होगा, उसकी तारें जो होती हैं उनमें भी इर्तआश होता है, आप हिलाते हैं तो वो आगे पीछे हरकत करती हैं। अब हम एक मिनी एक्सरसाइज करते हैं, छोटी सी एक्सरसाइज है, जो अब तक हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाएगा हमारा। व्हेन अ बॉडी सेट टू बी एट रेस्ट, हम कहते हैं, कब कहते हैं कि एक बॉडी जो है वो सुकून में है। तो हमने पहले देखा था कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट्स सराउंडिंग्स, द बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट, जब कोई भी बॉडी, कोई भी जिस्म अपने इर्द गिर्द की चीज़ों के हिसाब से हरकत नहीं कर रहा होता, अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा होता, तो हम कहते हैं कि वो एट रेस्ट है। जैसे आप सोफे पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, टेबल पे कोई चीज़ पड़ी है, तो हम कहते हैं वो रेस्टिंग फेज में है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी दैट इज़ एट रेस्ट एंड इज़ इन मोशन एट द सेम टाइम, किस कोई ऐसी एग्जाम्पल दें जिसमें एक ही वक्त में बॉडी मूव भी कर रही हो और रेस्ट पे भी हो। जैसे हमने पहले भी देखा था, पैसेंजर्स इन अ ट्रेन और बस आर एट रेस्ट, अगर बस के अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है तो वो एट रेस्ट होता है, सीट पे बैठा हुआ है, उसके इर्द गिर्द लोग तब्दील नहीं हो रहे। लेकिन अगर एक ऑब्जर्वर आउटसाइड है तो वो देख रहा है कि ट्रेन के साथ पैसेंजर भी मूव कर रहा है। अब हम देखते हैं कि मैंशन द टाइप ऑफ मोशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ, आप उनको गौर से सुने और फिर खुद से जवाब सोचें कि कौन सी टाइप की मोशन है। ये सारी हम पहले असबाक में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा उन वीडियोस को, पहली वीडियोस को देखें। तो सबसे पहली एग्जांपल है अ बॉल मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, जैसे आपने एक बॉल को ऊपर सीधा भेजा है, वर्टिकल कहते हैं अमूदी, सीधा आपने बॉल को ऊपर भेजा है, तो ये कौन सी टाइप की मोशन है। इसी तरह अगर एक बच्चा जो है, चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड, एक बच्चा स्लाइड के ऊपर बैठा है और स्लिप होकर नीचे आता है,
ये कौन सी टाइप की मोशन है? अब आपका इम्तिहान का पता चलेगा। आप लिख लें, आगे हम देखते हैं। इट इज़ कॉल्ड लीनियर मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है, तो इसको लीनियर मोशन कहते हैं। तो ये बॉल मूविंग अपवर्ड एंड चाइल्ड मूविंग डाउन अ स्लाइड इज अ टाइप ऑफ लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मूवमेंट ऑफ अ प्लेयर इन अ फुटबॉल ग्राउंड। अब आप देखें कि वो कभी राइट जाता है, कभी लेफ्ट जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है, इरेगुलर मूवमेंट है। इसी तरह अगर आप देखें फ्लाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का क्या काम होता है, वो फूलों के ऊपर बैठती है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक आगे और पीछे। तो ऐसी मूवमेंट जो होती है इरेगुलर होती है, मूवमेंट्स ऑफ, ये इरेगुलर मूवमेंट्स हैं, उनको क्या कहते हैं, रैंडम मूवमेंट। तो प्ले ग्राउंड में प्लेयर और बटरफ्लाई की मूवमेंट रैंडम मूवमेंट है। इसी तरह एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, ये क्या है, एक दायरे में हरकत कर रहा है। और जो सर्कुलर ट्रैक है उसका हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है उसकी टाइम में एक सर्कुलर वो होती है जिसमें आउटसाइड एक्सिस अ बॉडी मूव, तो ये जो है सर्कुलर मूवमेंट कहलाएगी। फिर है मोशन ऑफ अ व्हील। अब देखें कि मोशन ऑफ व्हील जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हील के सेंटर में से गुजर रहा है, और अभी हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि इसको रोटेटरी मोशन कहते हैं, जब द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द बॉडी इट्सेल्फ। तो ये व्हील की मोशन जो है वो रोटेटरी मोशन है। और मोशन ऑफ अ क्रेडल, मोशन ऑफ अ क्रेडल या बच्चे का झूला जो है उसकी मूवमेंट्स जो है वो टू एंड फ्रो है फ्रॉम अ मेन पोजिशन। और ऐसी जो मूवमेंट है उसको हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। और सो रोटेशन मूवमेंट ऑफ अ क्रेडल इज वाइब्रेटरी मोशन। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक।